आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। इन दिनों धर्म परिवर्तन का मुद्दा सुर्खियों में है। ताजा मामला बॉर्डर पार यानी पाकिस्तान का है। यहां धर्म परिवर्तन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस प्रकरण में एक साथ 60 हिंदुओं को इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। ये घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत स्थित मीरपुर और मीठी क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि ये इलाका पिछले कुछ समय से धर्म परिवर्तन का अड्डा बन चुका है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मौलवी 60 हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर उनका धर्मांतरण करा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का बताया जा रहा है। पाकिस्तान स्थित सिंध के मतली नगर समिति के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ निजामनी ने घटना का वीडियो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर साझा किया है। रऊफ निजामनी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी निगरानी में 60 लोग मुसलमान हुए हैं, इनके लिए दुआ करें। पड़ोसी मुल्क में ऐसे धर्मांतरण के मामले बड़े पैमाने पर जारी हैं। इसके पीछे सिंध के कुख्यात मौलवी मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्टू और अब्दुल रऊफ निजामनी का नाम सामने आ रहा है। मियां मिट्टू पाकिस्तान में गरीब हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्मांतरण कराने के लिए जिम्मेदार रहता है। मियां मिट्टू पाकिस्तान में कई हिंदू परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन करा चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हिंदू समुदाय दहशत में है। मियां मिट्टू की उम्र 85 साल है। हाल ही में उसने 45 साल से ज्यादा उम्र की विधवा से दूसरी शादी की थी। मियां मिट्टू की पहली पत्नी अभी जिंदा है। वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सांसद रह चुका है। मिट्टू के लगभग 100 से ज्यादा लड़के, नाती और पोते हैं। उस पर यह आरोप भी लगा है कि वो हिंदुओं पर होने वाले हमले के लिए लोगों को उकसाता है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान की हिंदू आबादी ने काफी विरोध प्रदर्शन किए हैं। दरअसल पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या लगभग 200% के करीब बताई जा रही है। इनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बताए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या लगभग 200% के करीब बताई जा रही है। इनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में रहने वाले डॉक्टर राजकुमार वंजारा हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। इस घटना की आलोचना करते हुए डॉक्टर वंजारा ने फेसबुक पर लिखा, सभी को बधाई, पाकिस्तान बहुत जल्द 100% मुस्लिम देश बनने जा रहा है। आज 60 हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ। डॉक्टर राजकुमार का यह भी कहना था कि पाकिस्तान में धर्मांतरण बेहद आम बात हो गई है, सब खुलेआम होता है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं होती है। वो दिन बहुत दूर नहीं रह गया है जब एक भी हिंदू नहीं बचेगा। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एक संसदीय समिति का गठन किया था। कथित तौर पर यह समिति पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन के मामले रोक रही है। ऐसे फैसले लिए जाने के बावजूद पड़ोसी मुल्क में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।